ये बच्चे ने तू फड़े है तू कर हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम परवीन है और जो मजिठा रोड पंडोरी गांव के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की गवाही जे जब 1 महीना हो गया था इनका बेटा है, इसको बहुत ज्यादा खांसी की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, और जिसके कारण इसको बुखार भी रहता था और 1 महीने से जो बहुत ज्यादा इन्होंने मेडिसिन भी लेकर दी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जो बहुत ज्यादा रोता रहता था, जिद करता था और जिसके कारण इनके मदर काफी परेशान रहती थी। और जब बता रही कि इस बेटे के लिए 2 बार ले हैंड भी हो चुकी थी और जब प्रार्थना भी करते थे पर जब बता रही कि उसका कोई भी रिजल्ट नहीं था आ रहा, जब बच्चा फिर भी अच्छा नहीं हुआ, और जब बता रही कि जिसके कारण इनको जब सिस्टर को भी दुष्ट आत्मा के अटैक्स बहुत ज़्यादा होते थे, इनको रात के समय बहुत बुरे मरे हुए लोगों के सपने आते थे, और जब बता रहे कि जिसके कारण इनकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और जब भी जो खाना खाते थे जो बताते कि सही तरह इनको डाइजेस्ट नहीं था होता, और जब बता रहे कि जैसे इन्होंने पिछले संडे दो आज से पिछले संडे जिस दिन फुल लैंड हुई उससे भी पिछले संडे जब मीटिंग में आए और उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और उसके बाद उन्होंने पर्सनल प्रभु के दास के साथ मीटिंग की, और जैसे इन्होंने मीटिंग की और प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया और जैसे इनके लिए प्रार्थना की और उस समय इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। अभी हम उस लैंड को देखेंगे। पूरी तरह से खाया पिया शैतानी बेस सही जादू टूना सब कैंसिल, जड़ से चल शैतान निकल इसके बच्चे के शरीर से, इसके जीवन से, इसकी सोचों से, जो तूने कब्जा किया इन दोनों पर, चल। कौन है? दीदी धोती है। अच्छा तू सू मूर्ख बना कौन सिमरन पुछ दाड़ तेन पता नहीं है जेड़ा तेरे सामने बंदा बैठा है कौन है अदरे अदरे तेन पता मैं कौन है हाँ जानता कि नहीं जानता कोई सिमरन सिमरन नहीं है पता ना परमेश्वर के बच्चे नु जानता ना बताओ मरी हो तू मारना तू कौन ना है तू हुंदा कौन है बोल तेनू अधिकार किन्ने दिता मारन दा भाई ओए बोल ये बच्चे नु तू फड़िया है अच्छा तू करन दिया है अच्छा चल फिर हुण जानदा है ना तू तू कोई सिमरन सुमरन नहीं है तू शैतान दी गंदी आत्मा है हां जेड़ा तेरे सामने बंदा बैठा ओदे बारे पता ना तेनू मैं जानदा ना मैनू चंगी तरह हां ये गल होर किसे नु कही चल हुण चल यीशु दे नाम च छड़ दे इहनू और इहदे बच्चे नु चल शट आउट आउट। और जैसे इनके लिए ले हैंड हुई और जैसे ही दुष्ट आत्मा का जो बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस सिस्टर पर और वही प्रभाव के कारण इनका बेटा भी अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था और जी बहन बहुत परेशान थी, और इन्होंने बताया कि जैसे ले हैंड हुई अभी 1 हफ्ते से प्लस टाइम हो गया है, इन्होंने बताया कि उस दिन से इन्होंने कोई भी मेडिसिन नहीं दी, एक भी दिन नहीं, और पूरी तरह से इनका बच्चा पूरी तरह से फ्री हो गया है, इसको कोई खांसी की प्रॉब्लम नहीं, बुखार नहीं, ना ही रोता है, अभी पूरी तरह से जो दोनों ही परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। दुष्ट आत्मा बोल रही थी कि मैंने इसके बच्चे को मैंने बीमार किया है। बोलो क्या है? सुनो ध्यान से, इस संसार में जितने लोग प्रॉब्लम में है ना, पता कौन देता है? अगर आप आत्मिक हो तो समझ लेना। बोलो क्या है? कौन देता है प्रॉब्लम? क्योंकि दुष्ट आत्मा खुद बोल रही थी ऐसे इसके मुंह से
कि मैंने इसके बच्चे को बीमार किया और एक महीने से ना जी, कितनी मेडिसिन दी, कितना कुछ किया। अभी छोटा सा बच्चा है, देखो बड़ा बच्चा बड़ा है तो वो तो सहन कर लेगा, पर ये तो भी छोटा है, देखो कितनी प्रॉब्लम थी। क्या करता क्या, क्या प्रॉब्लम क्या थी इसको? पर ये नू खाता पीता भी नहीं पचदा हुंदा, सारा बाहर आ जांदा हुंदा। और ते बहुत सारी खांसी आंदी ही, मैं मतलब 2500 रुपया भी लाता ही ते फिर भी नहीं फर्क पै रहा। अच्छा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? हां नहीं। देखो ये है परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, जिसने हमें अंधकार में से क्या बुलाया अपनी। अगर ये संसार में होते, बोलो क्या है, अभी 2500 लगाया, 2500 और लगाते, पता नहीं क्या क्या करते। इस दुनिया में तो लोगों के क्या हो जाते हैं, शैतान क्या कर देता है लोगों के, तो खत्म भी कर देता है। और भला है उस परमेश्वर ने जिसने अपने पास हमें बुला लिया है। बोलो क्या है, भला है उस परमेश्वर का कि उसने हमें पास बुला लिया है। अगर हाँ नाम उसे जानते होते और नाम ने उसके नाम का विश्वास किया होता, तो आज भी ये बच्चे को लेकर पता नहीं कहां कहां घूम रहे होते, क्या क्या करते होते। बोलो क्या कहते, क्या क्या करते। बस दिन सुनो, एक चीज नोट करना, जब मैं प्रार्थना कर रहा तो मेरे प्रार्थना से जो मुंह के शब्द थे उन चीजों को नोट करना। मैं उसी रीति से प्रार्थना कर रहा था जैसे ही प्रॉब्लम थी, उसी चीज से मैं डांट रहा था। और जैसे ही उन पावरफुल शब्दों को इसके ऊपर और इसके बच्चे पर मैंने रिलीज किया, और आज परमेश्वर ने टोटली इन दोनों को उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव से, उस बीमारी से, इसको और इसके बच्चे को, दोनों को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तारीफ करो उस जीवित परमेश्वर का, धन्यवाद करा जोर से, जोर से, जोर से। मैंनु यीशु ने बुलाया है, धन्यवाद करागा मैं, मैंनु यीशु ने बुलाया।